Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. Welcome to Maths lecture. Today we are going to start our day 16 working. Our chapter is chapter number 2, factors and multiples, page number 28, exercise number 2b. Question number 5 hai, which of the following are co-prime numbers? आपके पास numbers given है, आपने उनमें से बताया है कि co-prime numbers इनमें से कौन से हैं? Co-prime number बताने के लिए आपके पास पहले तो पेयर ऑफ नंबर यहाँ पे गिवन हो गए. पेयर का मतलब दो नंबर आपके पास यहाँ पे गिवन है. इन दो नंबर्स के आपने फिर बताना है कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है. फर्स्ट आपको प्राइम नंबर्स का तो पता है, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे आपने इन दो नंबर्स का को प्राइम नंबर बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं है. इसके लिए सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 5, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर जो गिवन है दो, वो है 3 एंड 5. तो यहाँ पे हम पहले 3 के फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर ऑफ 3 निकालते हैं. फैक्टर ऑफ 3 में देखिए 1 से हम स्टार्ट करेंगे. 1 जो है वो इसका कंपल्सरी फैक्टर है. 1 के बाद आप देखें कि 2 के टेबल में 3 आता है नहीं, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 3 इटसेल्फ. बस हमने 1 से 3 तक के टेबल में चेक करना था कि 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आपके पास सिर्फ 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवा के ही 3 आता है. मीन्स 1 के टेबल में भी 3 आता है, 3 के टेबल में भी 3 आता है. फैक्टर्स ऑफ 5 के लिए हम 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को चेक करेंगे, तो देखिए आपके पास 1 कंपल्सरी एक फैक्टर है. देन आपके पास 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 4 के टेबल में 5 ही इसका अपना फैक्टर होगा, 5 इटसेल्फ. तो इनके फैक्टर्स देखिए आपके पास, ये दोनों क्योंकि प्राइम नंबर्स थे तो इनके फैक्टर्स आपके पास 2 फैक्टर्स आए हैं. अब इन दो फैक्टर्स में से आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर आपके पास कितने हैं. तो कॉमन फैक्टर देखिए जो दोनों है, 1 एक कॉमन फैक्टर है हमारा जो कि 3 के फैक्टर्स में भी है और 5 के फैक्टर्स में भी है. 1 क्योंकि हमारा एक कॉमन फैक्टर है और को प्राइम नंबर होने के लिए यही एक कंडीशन है कि सिर्फ 1 जो है उसमें आपके पास कॉमन फैक्टर निकलता है. ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आता है जब, तब हमारे पास जो दो नंबर गिवन है वो हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं. तो ये हमारे पास 3 एंड 5 का क्योंकि 1 ही कॉमन फैक्टर आया है, ओनली 1, तो हमारे पास आ गया है कि 3 और 5 हमारे पास को प्राइम नंबर है. तो यहाँ पे हमें लिख देना है यस 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स, आर इसी तरीके से आपने भी लास्ट लाइन ये लिख देनी है, 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स. तो बी पार्ट में आपके पास ये को प्राइम नंबर नहीं आएगा, वो कैसे ये आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं. तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आप पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 31 एंड फैक्टर्स ऑफ 62. दोनों नंबर जो आपके पास गिवन है उनके यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करेंगे. यहाँ पे 31 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 31 क्योंकि एक आपको प्राइम नंबर ही नजर आ रहा है तो इसके भी आपके पास सिर्फ 1 और 31 इटसेल्फ इसके फैक्टर होंगे. मींस इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है. नेक्स्ट आपके पास 62 है और 62 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसके आपके पास दो से ज्यादा फैक्टर होंगे. यहाँ पर देखिए 1 तो आपके पास एक कंपल्सरी फैक्टर है, 1 आ गया. नेक्स्ट आपके पास क्योंकि इसके इनर प्लेस पे 2 है यहाँ पे, तो 2 का टेबल इसको जरूर डिवाइड करेगा, तो 2 आ गया इसका फैक्टर. नेक्स्ट आपके पास देखिए यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी अगर चेक करें तो 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, तो 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, मीन्स यहाँ पे 3 इसका फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट 4 के लिए चेक करेंगे तो 4 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा. नेक्स्ट आपके पास इसका जो फैक्टर आएगा वो 31 ही आएगा, उसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, और 31 के बाद ये नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, 62 इटसेल्फ एज अ फैक्टर. 62 आ गया, तो इसके हमारे पास 62 के देखिए 4 फैक्टर्स आ गए हैं, 1, 2, 31 एंड 62, एंड 31 के हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है. नेक्स्ट अगर इनमें से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो आप देखिए 31 और 62 के फैक्टर्स में से कॉमन क्या है, तो 1 एक तो कॉमन फैक्टर है आपके पास, और नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है आपके पास 31 देखिए 31 भी आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया. तो जहां भी हमारे पास 1 के अलावा कोई और नंबर भी कॉमन फैक्टर के तौर पे आ जाता है, तो हमारे पास वो जो क्वेश्चन हो गया, वो जो दो नंबर्स हैं गिवन नंबर, वो आपस में को प्राइम नंबर. 9, 31
एंड 62 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन के लास्ट में लिख देना है। अगर वो को प्राइम नंबर हुए तो आपने यस लिख देना है, और अगर को प्राइम नंबर नहीं हुए तो आपने क्या है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने को प्राइम नंबर्स को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं दोनों नंबर्स के। फैक्टर्स लिखने के बाद आपने देखना है कि उनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ वन कॉमन फैक्टर आया है, तो हमारे पास ये जिसमें सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर के तौर पर निकलेगा, वन तो आपके पास आएगा ही ना, क्योंकि वन कंपल्सरी एक फैक्टर है, वो हर एक नंबर का फैक्टर लाजमी आएगा। तो वन ही आपके पास अगर कॉमन के तौर पर निकलता है तो वो को प्राइम नंबर्स हैं। अदरवाइज अगर कोई दूसरा नंबर आगे उसमें आ जाता है कॉमन के तौर पे, तो आपके पास वो दोनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो उनके आंसर में आपने इस तरीके से लिख देना है, नो 31 एंड 62 आपके पास आगे जैसे भी नंबर होंगे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। और अगर आगे आपके पास को प्राइम नंबर जैसे वन ही आपके पास कॉमन फैक्टर के तौर पर है, यस 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स। इसी तरीके से आपने इसके बाकी के पार्ट्स भी अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना स्लोगन नहीं भूलना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह हाफिज़।